यूट्यूब चैनल। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं एक और न्यू यूट्यूब वीडियो के साथ में। तो आज सुबह सुबह हम लोग जो है जाने वाले हैं पटाखे लेने के लिए एक इतने बड़े गोडाउन में, जिसको अगर आप लोग भी देखोगे तो आप लोग भी सोचोगे कि कितना बड़ा ये पटाखे का गोदाम है। तो अभी दिवाली का सीज़न है, तो अभी हम लोग सबसे पहले तो जा रहे हैं ATM, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर गोडाउन में ATM वगैरह जो है वो अवेलेबल ना हो, फ़ोनपे वगैरह, वो डायरेक्ट हमको कैश ही करना पड़े। उसके लिए सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं अब डायरेक्टली ATM। पैसा ही पैसा हो गया। उसके बाद हम लोग कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता करेंगे और उसके बाद जो है गोडाउन के लिए निकलेंगे, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे देखो रोड के साइड में गार्डन में जो है हमको छोटा सा गोदाम टाइप दिखा है, जहाँ पे छोटी छोटी फटाके की दुकान लगी हुई है। लेकिन लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मतलब खास नहीं होगा, तो हम लोग जहाँ पे गोडाउन में जा रहे हैं बड़े वाले, तो वहीं चलते हैं। घर से 2 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और अभी तक ATM के कोई आता पता ही नहीं है, और हमको चाहिए कैश, क्योंकि हम लोग फटाके लिए कैश करने वाले हैं। तो अभी ATM वगैरह ढूंढते हैं और फटाफट से। गाइस, एक ATM मिल चुका है, तो अब यहाँ पे से निकालते हैं कैश। जाओ बड़े भैया, कैश निकाल के आओ। सो गाइस, अभी हम लोग जो है ATM के सामने आ चुके हैं और यहाँ पे जो है भैया अंदर जा रहे हैं, देखो पीछे से, कैश निकालने के लिए। और यहाँ पे रोड के साइड में ये ATM। तो अब हम लोग जो है कैश निकाल लिया है, तो अब थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता करने जाएंगे। आज है संडे और हो सकता है कि गोडाउन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो, तो हम लोगों को जो है टाइम लग जाए, तो इसीलिए जो है हम लोग थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग मतलब गोडाउन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। भैया ने कैश निकाल लिया है, अब हम लोग जो है सीधा नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद गोडाउन के लिए निकलेंगे। काफ़ी ज़्यादा बड़ा गोडाउन है वो, आप लोग देखोगे ना तो आप लोग भी चौंक जाओगे। गाइस, हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं ना वहाँ पे मतलब ऐसा लगता है कि पटाखे की पूरी फैक्ट्री खोल रखी है। अपनी मर्जी से अपन कुछ भी वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई परेशान करने वाले नहीं होते हैं वहाँ पे। और उसके बाद जो है एंड में अपना बिल बनवा लो और हो गया अपना काम। तो वो जगह काफ़ी सही लगती है, हम लोग जो है हर ईयर वहीं से ख़रीदते हैं पटाखे, और इस बार भी वहीं जाने का प्लान है, तो वहीं जा रहे हैं। और सो गाइस, बने रहिए ब्लॉग में एंड तक, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अगर आप लोग भी इंदौर और देवास से ही हो तो वो लोकेशन मैं आपको शेयर कर दूंगा कि कहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, तो आप लोग भी वहाँ से जो है फटाके ख़रीद सकते हो। ये लोकेशन है जहाँ पर हम लोग नाश्ता करने वाले थे, लेकिन इसी के सामने जो है हमारे फ्रेंड का घर है। तो अभी जो है हम लोग फ्रेंड के पास जा रहे हैं, उसको नहीं पता है कि हम लोग आने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए एक सरप्राइज होगा, तो अगर वो लोग वो भी आता है तो उसको भी हम उठा लेंगे नाश्ते के लिए, तो वो बड़े लोग बड़े गोल देखते हैं। गरम ना गए, बड़े लोग तो आते नहीं हमारे घर, तेरे को तो बताऊंगा सर। फ्रेंड से मिल लिए हैं, उसने तो मना कर दिया, तो नाश्ता वगैरह कर दिया, तो वो नहीं आएगा। अब हम लोग जो है नाश्ता करेंगे सबसे पहले, तो क्योंकि हमको काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है और हो सकता है कि टाइम लग जाए, तो फिर करना वाजिब है। ये देखो, ये उसकी कॉलोनी का गेट, और इसी के सामने जो है हम लोग रहते थे पहले। लफड़ा हो गया, क्या हो गया? गाइस, अभी पोहे तो वो ख़त्म हो चुके हैं, तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि पोहे जब तक आएंगे तब तक रुकना ही पड़ेगा ना। तो पोहे खाएंगे उसके बाद निकलेंगे। क्या हो गया, कितना टाइम लगेगा? हाँ आएंगे। गाइस, आप लोग ये देखो, ये जो होटल है ना, इसका नाश्ता मेरे को मतलब बचपन से ही बहुत ही पसंद है, क्योंकि हम लोग पहले इधर ही रहते थे। और वो घर भी आपको मैं दिखाता हूँ जहाँ पे मैं रहता था, देखो जूम करके। ये जो घर है ना, यहाँ पे हम लोग 10 साल तक रहे थे रेंट पे। तो जो है यहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा नाश्ता किया है ना पहले मैंने, कि मैं बता नहीं सकता आपको। और यहाँ के पोहे तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है,
तो आज वही खाने के लिए मैं यहाँ पे रुका हूँ, और जस्ट इसके सामने जो है सन सिटी वैन है, तो यहीं पे अभी मैं फ्रेंड से मिलके भी आया। नाश्ता कर लिया है, वापस से अपनी जर्नी बिगिन कर दी है हम लोगों ने, तो अभी चलते हैं फटाफट से और अच्छे अच्छे फटाखे उड़ा के लाए। वैसे ज़्यादा कुछ हम लोग लेने वाले नहीं है, क्योंकि भैया तो जो है फोड़ते नहीं है, और थोड़े बहुत शगुन के लिए मैं फोड़ने वाला हूँ, तो बस मेरे लिए लेने जा रहे हैं। तो कुछ अच्छे बड़े बड़े उड़ा लाएंगे, मतलब जो आवाज़ ववाज़ करे, मतलब थोड़ा नॉइस पॉल्यूशन करे। समझ रहे हो ना तो देखते हैं अभी क्या सीन होता है। वैसे लग रहा है कि अब टाइम थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, मतलब 11:30-12 बज चुकी है अब, तो भीड़ भी शायद वहाँ पे बढ़ गई होगी गोडाउन में। बाकी चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। गाइस जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ना, मतलब 6 किलोमीटर दूर आ चुके हैं हम लोग। सोच सकते हैं आप लोग कि मतलब फटाखे लेने के लिए हम लोग इतने दूर जा रहे हैं, लेकिन वो गोडाउन इतना अच्छा है कि मतलब हम लोग हर साल जो है वहीं से ख़रीदते हैं, तो इस बार भी जो है हम लोग वहीं जा रहे हैं, और आसपास के काफ़ी सारे लोग भी जो है गोडाउन पे आते हैं पटाखे ख़रीदने के लिए। मतलब पूरा इधर का एरिया ना उसी ने कवर कर रखा है, मतलब लोगों को बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और लोग यहीं से पटाखे जो है वो ख़रीद लेते हैं दिवाली के लिए, और जो है रिजनेबल प्राइस वगैरह भी लगती है, तो शायद उस वजह से भी जो है लोग जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो अभी हम लोग भी जाते हैं और देखते हैं कि क्या सीन होता है। तो गाइस जाने का रास्ता देखो, पहले से ही मतलब काफ़ी सारी गाड़ियाँ फोर व्हीलर खड़ी हुई है ऑलरेडी, तो सबसे पहले अब हम लोग जो है मास्क पहन लेते हैं, सेफ्टी फर्स्ट, और गाड़ी पार्क कर दें। ये देखो गाइस ये रही वो लोकेशन, अंदर से भी दिखाते हैं आपको अभी। ये देखो ये भैया ने पटाखे ले लिए, अभी हम भी जाएंगे अंदर और हम भी लेंगे। नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल हूँ, अंदर आ सकता हूँ? ये तो एग्जिट गेट है। नहीं ये देखो गाइस कितनी ज्यादा भीड़ है, चेकिंग डिपार्टमेंट किधर है? चेकिंग डिपार्टमेंट होगा उधर। अब चलो बाहर। अरे भैया तुम ये देखो गाइस अंदर कितनी ज्यादा भीड़ है। तो गाइस यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, और जितना हो सकता है उतनी क्लिप मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। फटाफट से इन फटाकों की बिलिंग करवाते हैं और यहाँ से निकलते हैं अपन। गाइस बाकी की बातें बाहर मिलते हैं और वहाँ पे करते हैं। सो गाइस हम लोग पटाखे लेके आ चुके हैं, वहाँ पे अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, और उन लोगों ने जो है मोबाइल साइड में रखा दिया था कि आप लोग मतलब शूट नहीं कर सकते हो यहाँ पे, तो इसलिए अंदर का मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया। बाकी हम लोग पटाखे लेके आ चुके हैं वहाँ से, और अब हम लोग जो है अपने घर की तरफ जा रहे हैं। सो गाइस आई होप आपने इस ब्लॉग को इन्जॉय किया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद TYK ब्लॉग।